नहीं रो रो चल रो जात हंसना चल रो नहीं दीदी छत्रपाल रो भाई मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि यहाँ से बस खुशी आया तो खुशी खुशी चल भाई रो भाई थोड़ा सा ले बोल भाई जोगिंदर रोना नहीं जबरदस्ती के रोवा दे मत रो मत रो नेक्स्ट कैंडिडेट नेक्स्ट कैंडिडेट भाई आओ इसके बाद मेरा फोटो खींचो बेटा साथ फोटो खींचो पहले मोर साथ मोर हो गया ए साइड हो मस्त ऐसे तो हो ना तो खड़ा हो ना तो खड़ा हो ना ध्यान के कहा सर गुरुजी 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 के मैं जितना फोटो खींचता हूँ ना सब मैं सर आंख बंद कर दे रहे थे हाँ अभी बढ़िया है नेहा दीदी नहीं बच्चों को नहीं नहीं बना सर 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 सही तो हसात रहे मेरो ना भाई कौन भूल रही है गुरु जी हमन जावत हमने पहचान ली है ना ले अब यार जाता यार नहीं और एक दिन के दुकान है ना ए दीपे पानी की का है पी तो कर से हम चले दे 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 सर को रे नारी सर मत रो सर पायल से मिल सर सर पायल से मिल लास्ट फोटो की पसीना पोस लेके बोल बोल सब छोड़ गया करण दिखा तो राशु इतना रोइस सुखा हाँ मनीषा याद हंसते हैं हमला छोड़ के चल दे बताए हमला याद करवे कि नहीं बहुत 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 मिस करने वाली हूँ तुमने उस दिन मेरे को रुलाया था सही में अपना भाषण दे करके मेरे आँख से आंसू निकल गए थे मेरे दिल निकलने के कारण मैं कुछ नहीं बोल तो हमारा आंसू अगर नहीं रोबे ना तो तोला पट कर जानू ही वो बोल रही है कि आंसू से ज्यादा पसीना निकल गया उसका धूप में खड़े हुए पानी कम पड़ता है तो वीडियो फिल्म कैसे कैसा बोला ना लड़का कब बनाएगा नोट जा रहे हो अरे पायल तो फिर रो रही है ना अरे
पकड़ना पकड़ना ऐसे पकड़ना ऐसे पकड़ना वही लावे मत ये देख देख अरे तू ऐसा नहीं करना मेरे को अब भूले चुकी ना हाँ जी हाँ जी नहीं ची बात करूँगी अरे करना एनो नहीं हो बाय बाय करो मैं नहीं जा रही हूँ नहीं जाता और रोई हम मत कह दे तुम्हें रोना है तो रोना नहीं है इनको पकड़ो पिला दो बोला मन मन हम लोग पावन पावन मेला वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारा 40 दिवसीय शिविर बहुत ही अच्छा गया हाँ और उम्मीद है आप लोग अपने बच्चों भाइयों एवं बहनों पड़ोसियों को सबको अवगत कराएं आज शिविर का लास्ट दिन है अंतरात्मा से वो निकल रहा है अंतरात्मा से आंसू निकल रहा है पिक्चर नहीं बन रहा है चालीस दिवसीय अरे पीछे वाले को बोलने दो हम आप इतना ही कहकर कि सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ और कोई कुछ करना चाहते हैं मैं यही पे ए ज्यादा मत बोलो तुम संगवारी मन हम 40 दिवसीय हो चुकी है अब हम अपन घर जात हन हमारे वीडियो वाला जितना भी बनाए हन चला सब ला देखिया और सब्सक्राइब करिया जरूर जब मैं नहीं करे नहीं करिया तो फिर देखा ये हमारे भरत को कुछ बोलना चाहते हैं चलो भाई भरत क्या बता सकते हैं हमारे विका बहन जी को लाइक सब्सक्राइब कीजिए बहुत मेहनत करती है बेचारी दिन भर पूरे 40 दिन में बहुत मेहनत किया विका दीदी ने अगर वीडियो नहीं इंग्लिश की क्लासेस लेती थी अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे हमको बनासी नहीं आएगा और ऐसी बोल के हम अपनी गाड़ी को ये है जमीन अंदर मैं एक गाना सुनाना पायलिया ओ हो पायलिया ओ हो लेकिन चुराए चैन उड़ाए लास्ट में चंद्रकांत लास्ट में चंद्रकांत जुदाई जुदाई कैसे जुदाई परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के मुझे याद रखना मुझे भूल देना मुझे छोड़ के निवासी प्रधान सर हमारे प्रधान सर के लिए प्रधान सर अगर आप सुन रहे हैं तो ये केवल आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है तो हमारे भाई नैमिश आपके लिए प्रधान सर सुनिए ध्यान सुनिएगा आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं बोले नैमिश प्रधान सर जय जोहार सर अंतरात्मा से क्या निकल रहा आंसू निकल रहा सर आपके प्रति बहुत मिस कर रहे हैं आप अगर देख रहे हैं तो सर प्लीज मिलने आइएगा दोबारा आपसे फिर शिक्षा प्राप्त कर रहा है सर सर आई लव यू सर जय श्री राम सर आई मिस यू सर बहुत 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 मिस यू सर मैं जब थर्ड फ्लोर में जाती हूँ
सर मैं यहाँ महसूस किया मेरे पिता आपको सर प्रधान सर की जय हो। आप मेरे भाई से बात करवा दीजिएगा। यही कहकर मैं अपने वाड़ी को विराम देना चाहती हूँ सर। धन्यवाद। ठीक है संगवारी मन अभन चला था हमन पहुँच गए निर्माण प्रकल्प। इसीलिए हम लोग रहते हैं 40 दिन का शिविर लगता है तो जय जोहार। अभी नहीं रहते ये हमारे इतना। हाँ दीदी हाँ दीदी मैं यहाँ आया मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। मैं यहाँ आया तो बहुत बहुत स्वागत किया गया मेरा पूरा फूलों से सजाया गया है। ये सब देखिए ये पूरा कचरा करकट हमारे स्वागत के लिए था। निर्माण प्रकल्प इस प्रकार से पायल हमारी बहन ने हमारा स्वागत किया है पूरा कूड़े करकट से। और ये देखिए मैं सामान लेकर प्रवेश करूँ। आइए आपको मैं अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। मैं अंतर आत्मा से दुखी हूँ। इतना अच्छा स्वागत दे के मैं आंसू में आंसू कर रहा हूँ। हे भगवान उठा ले। आइए आइए हमारे भाई चंद्रकांत मटका लेकर के। अरे वाह चंद्रकांत स्पेशल पंखा कूलर गर्मी के दिनों में हम लोग इसी से ऐसे हम घूमने वाले पंखे हवा लिए लेते हैं। ये हमारा और आप आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना ही कहकर मैं अपने वाड़ी को विराम देना चाहती हूँ। ये मेरे भैया प्रिय भैया हैं। ये हमारे भारत जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़ जय निर्माण प्रकल्प बिरसा मुंडा की जय। जय बिरसा मुंडा की जय। आप सभी से अनुरोध है कृपया करके दीदी का चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ यादव जी यानी मैं दिख रहा हूँ। मेरे सभी जसपुर वासी से निवेदन है कि 150 से पार सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मतलब जसपुर का 150 जाना चाहिए। जसपुर का 150 चलो ठीक है 1K पार होना चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया 1K मैं प्रयास करूँगा कि जसपुर जाके 1K पार करूँ मैं। अच्छा सबसे निवेदन है कि सबको सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें। बहुत बढ़िया धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नैमिष भाई। मेरे कहने पर अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कृपया हमारे भाई नैमिष यादव जी के कहने पर सब्सक्राइब कर सकते हैं ना आप लोग। ये नैमिष भाई हमारे जसपुर के निवासी हैं और यहाँ बिलासपुर में 40 दिवसीय शिविर के लिए आए थे और आज इसका समापन हो चुका है। इसलिए हम कुछ कुछ सामान जो निर्माण प्रकल्प में छूटा है उसको हम पहुँचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सही बोला हम सब भाई बहन है छोटे से लेके बड़े तक। मैं छोटी बच्ची इसको मैं खूब आशीर्वाद देना चाहूंगा कृपया थोड़ा हाइट बढ़ाएं और अच्छे से खाए पिए। खोल बेइज्जती किया जा रहा है मेरे बड़े भैया की तरह। कुछ बोलिए मेरे लिए तू थोड़ा दौड़ा भाई लेकिन तुम ना उम्र से ज्यादा जल्दी बढ़ गए। कौन मैं? हाँ मेरा उम्र के लायक ठीक। देखो भाई हमारा हाइट देखो पकड़ो इसको छोड़ो। 17 साल का बच्चा है देखो 22 साल की बच्ची देखो कितनी 22 साल हो रहा सच्ची में। और इधर देखा रही दीदी। और ये देखिए यहाँ का निर्माण है। ये बच्चा यहाँ पर मोबाइल चला रहा है काम वाम कुछ कर नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ का वो और यहाँ के ये है पायल मेश्राम मेरी मम्मी इस माय बेटा ये इसकी मम्मी है ये बेटा। जय सतनाम जय बजरंगबली मैं हूँ ये इसका तो मेरे को तो तुम लोग जानते ही हो। मेरे को तो बिल्कुल जानती है मेरे को तो बहुत भली भांति जानते हो। ये है हमारे प्रिय भैया इसका नाम है तुलेश्वर भैया नाम है। दिस इज माय प्यारे कमांडो सर बढ़ाओ के मैं ये है मेरी लड़की मेरी फ्रेंड मेरी जान मेरी जीवन का आधार कल बने आधार। अरे उसको पकड़ो पकड़ो ये हमारे कमांडो सर है। 40 दिन तक पूरा व्यवस्था इन्होंने किया पूरा सोने से उठाने से लेकर पूरा जबरदस्ती सिटी बजा बजा के कान पकवा दिए। इतना उठाए खिलाए तो थे नहीं खा लेते थे पहले अरे। इतना खाए पता नहीं गया कहाँ कुछ न कुछ गया है। भगवान से मैं दुआ चाहूंगा कि इन्हें बहुत
ऊपर तक, मतलब मेरे से भी ऊपर तक बनाए, ऊपर तक बनाए, ऊपर तक मतलब बढ़िया कमांडो। मैं दिल अंतरात्मा से चाहूंगा कि बड़े होकर भैया कमांडो बने और मुझे भी इनके छोटे पद में ले जाए, छोटे पद में। देखो भाई, बहुत बढ़िया, देखो भाई, भाई हमारा आशीर्वाद आपका छोटा भाई है नेमिश, आशीर्वाद दे रहा है भाई तुलेश, तुमको देखो। ये हमारे पीयूष भैया हैं, इन्होंने बहुत मिस किया इन्हें, और अब मैं जाऊंगा तो भी इन्हें बहुत मिस करूंगा। और उसको भी कुछ बोलने दो, चलो भाई पीयूष तुम भी कुछ बोलो। इन्होंने मुझे बर्थडे के दिन बहुत धोखा दिया, अंतरात्मा से मुझे हाथ नहीं कर रहा, अंतरात्मा पूरा आदमी कट गया मेरा, घर चले गए, हमें छोड़ के घर चले गए थे। आधार कार्ड पटेला, आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड नलम, हो प्यारी दीदी, मुझे प्यास लगा है, कृपया करके पानी दीजिए, अंतर आत्मा से प्यास लग रही है मुझे, कुछ ठंडा वाला फ्रिज वाला कुछ पिला दीजिए। आखिरी में आप लोग, आखिरी में आप और कुछ कहना चाहेंगे कोई? आप लोग हमेशा खुश रहो। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। आज शिविर का समापन कई बार बोलेंगे हो गया, और सब लोग रो रहे थे सही में, कुछ लोग तो प्याज काट के रो रहे थे और कुछ लोग सच में रो रहे थे। हम लोग को भी दिल से बुरा लगा, अब लड़के हैं क्या, बचपन से सिखाया जाता है रोया नहीं जाता बेटा, दिल से तो रो रहे हैं, अंतरात्मा से निकल रहा था आंसू मेरा तो बहुत ही अंतरात्मा, तो पसीना भी आ रहा था इससे बहुत ज्यादा, आंसू के रूप में मतलब पसीना के रूप में आंसू निकल रहा था मेरा, ऐसा है तो ठीक है, फिर मिलते हैं। खास कर सबसे ज्यादा मैं प्रधान सर को मिस किया, प्रधान सर आप अगर सुन रहे होंगे तो मेरे पिता समान प्रधान सर आप ही को मैं मिस किया, और मेरी माता समान देव मैम जिन्होंने हमें बहुत शिक्षा एवं सब चीज प्राप्त किया, प्राप्त कराया, इसलिए मैम देव मैम को बहुत मिस करूंगा। बहुत मार खावे अगर अब रोए था, पसीना से गीला हो गया, रो मत, आंसू रहा था, मारो 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 थोड़ा।